केवल मैंने थोड़ा हस्तक्षेप किया, मेरा कोई योगदान नहीं है, न तो मैं निर्णय लेने वाला हूँ, मेरे पास कोई सचिका आती है। मैंने तो इतना क्या कि भाई राघवेंद्र ने जो मुझे बताया, और बाद में सभी शिक्षकों की बैठक हुई जिसमें रमान साहब भी थे, और दो और जो सारी चीजें आई वो ले जाकर मैंने अश्विनी वैष्णव जी को बताया, और अश्विनी वैष्णव जी ने उन सारी बातों का स्वीकार किया। तो इसे मित्रों, मैं आप उनके बीच में केवल मध्यस्थता का काम कर सकता हूँ, पुल का काम कर सकता हूँ। आपकी बात को मैं राज्यसभा में उठा सकता हूँ, मैं राज्यसभा में प्रश्न उठा सकता हूँ, आपकी बात को रख सकता हूँ सरकार के सामने, क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ। इसे एक समझिए, अंतर समझिए, मैं सारी चीजों का समाधान करने वाला व्यक्ति नहीं, मैं सक्षम नहीं। मैं तो 13 साल सरकार में भी रहा, और लगभग 12 साल में बिहार में विरोधी दल का नेता भी रहा, और करीब 32 साल हो गया मुझे विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा में भाग लेते हुए। मुझे वो भी सौभाग्य मेरी पार्टी ने दिया, मैं विधायक भी रहा, MLC भी रहा, भागलपुर से लोकसभा का मेंबर भी रहा, और मैं अब राज्यसभा में हूँ। तो मैं इतना ही कर सकता मित्रों, मैं आपकी बात को उठाऊंगा, आपकी बात का यथासंभव समाधान करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि देखिए, बिना युवकों के नौजवान, आज अगर यूपी में अगर BJP की सरकार बनी तो क्या बिना नौजवानों के सहयोग के वहां की सरकार बन सकती थी क्या? नहीं बन सकती। बहुत बड़ी भूमिका है, ये वो ताकत है जो किसी को अगर गद्दी पर बैठाना जानती है उसको गद्दी से नीचे निकालना है। हमारे जैसे तमाम लोगों ने छात्रों की ताकत को देखा, इसलिए हम कहते थे विद्यार्थी परिषद में छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति ये जो छात्रों की ताकत है ये राष्ट्र की ताकत है। तो जाइए मेरे मित्रों, ये तय कीजिए कि हम जो भी करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, हिंसा का सहारा नहीं लेंगे, और अपनी बात को जो भी करने का फोरम है, जो भी माध्यम है,